दिख भी नहीं रहा कुछ कैमरा में, इधर तो दिख रहा है। ये क्या बात हुई, ओस है ना, दिखी कैमरे पे ओस जमी है, कैमरे पे ओस जमी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पंजाबी बहू अर्चना। और यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ सेकंड पार्ट शेयर कर रही हूँ ट्रिप का, टूर वीडियोस का। फर्स्ट पार्ट अगर आपने नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं। और बहुत ही मज़ा आया था। यहाँ मैं जो वीडियो आपसे ये शेयर कर रही हूँ, हम लोग ट्रेन में चल रहे हैं जो लखनऊ से हम लोग बैठे हैं सादुलपुर के लिए। छोटी सी ठीक है, दिख भी नहीं है कैमरे में, दिख नहीं रही भाई। तुझे की किस्मत ही खराब है। यस, नहीं छुआ उसने, मैंने पैसे चुराए। मिली भी है तो भाई, हापुड़ जंक्शन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं थोड़ी थोड़ी क्लिप आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। बाहर की धुंध बहुत थी इसलिए क्लियर नहीं नज़र आ रहा था असीन। और साथ ही साथ यहाँ पे ना ग्लास भी जो थे वो बंद कर रखे थे, क्योंकि ठंड हवा जो है वो अंदर ना आए इस वजह से। तो जितना कैप्चर हो सका उतना किया है। और यहाँ पर ये बहुत बड़ा पुल आया था, साथ ही बहुत बड़ी नदी थी। आपको बता दूँ ये यमुना नदी है और ये बहुत बड़ी थी और बहुत ही अच्छा व्यू भी था, लेकिन धुंध की वजह से और साथ ही साथ ग्लास बंद होने की वजह से क्लियर जो है कैप्चर नहीं हो पा रहा था। बट बहुत ही ज़्यादा बड़ी नदी थी। जमुना जी का पुल है ये। अच्छा, तो इतना लंबा है। ये देखो आ गई जमुना जी। हाँ आ गई, बड़ी लेक नहीं मिली, कम से कम ये तो मिल गई। ओके, इससे भी बड़ी लेक। रुक जा बना रहा हूँ। हाँ मैं उधर से बना रहा हूँ, उधर क्लियर दिख जाएगा। भाई झटके खा लीजिए। मौसम बना, नीचे 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 गाड़ी का भी ले, गाड़ी चल रही है, बनाइए आप, चल रही है ना वीडियो। गिरा मत देना, उधर का बनाइए। चल मामला शांत हो गया, गाड़ी आ रही है। आखिर मिल गया क्लियर व्यू। हाँ क्लियर है ना। सुनो तो सादुलपुर में हम पहुंच चुके थे और बहुत ज़्यादा स्टेशन पे सन्नाटा था, ज़्यादा लोग नहीं थे। और ये जो आप सेकंड होटल देख रहे हैं ना, इसमें हम लोगों ने रूम लिया। फर्स्ट वाले में रूम था नहीं, क्योंकि हमको दो रूम चाहिए थे, लेकिन वहाँ पे फर्स्ट वाले में थे नहीं, तो इसलिए सेकंड होटल में हम लोगों ने देखा। ये हम लोगों का रूम था, इसमें तीन बेड थे, एक जो बेड था वो डबल बेड था और एक सिंगल बेड था, तो टोटल तीन बेड थे। तो यहाँ पर बहुत अच्छा लगा मुझे रूम, क्योंकि ना देखिए फैसिलिटी बहुत अच्छी लग रही थी, क्योंकि हम लोग बहुत अच्छे से एडजस्ट हो गए थे इस पे। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे सब लेट बैठ गए हैं, और मैं इस टाइम पे यहाँ पे नहीं थी, क्योंकि मैं मम्मी लोग मेरी मम्मी मौसी और जो दूसरा बाबू है वो एक रूम में थे, और वो उस रूम का मैं वीडियो नहीं ले पाई। तो यहाँ पर देखिए
बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी। सबसे पहले यहाँ पे हम लोगों ने जब सामान रख दिया था तो मैंने सबसे पहले हम सब चाय मंगवाई थी, हम लोगों ने चाय पी और फिर मैं फटाफट जाके मैंने नहाया था क्योंकि मुझे गर्मी बहुत लग रही थी उस टाइम पे। और गर्मी लगने का रीज़न ये था, इतना ज़्यादा सामान था और सामान उठाना और बार बार इधर से उधर लेके जाने में बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी। सौरभ जोशी खाना खा रहे हैं वहाँ पे टेबल पे बैठ के, नकली सौरभ जोशी। कुछ कहना चाह रहे हो? हाँ, बड़ा महंगे वाले हो सब। तो ये मैं आपको बाज़ार दिखा रही हूँ, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है ये एरिया, छोटा एरिया है और ज़्यादा भी बड़े बाज़ार नहीं है। यहाँ पे होटल भी ज़्यादा नहीं थे तो इसीलिए जो मिला उसमें हमने एडजस्ट किया है। और खाने में भी जो यहाँ पे मिल रहा था ना, बस कुछ ही चीज़ें गिनी चुनी थी और वही खाने को मिली थी। लेकिन होटल वाले ने हमको जो है पीने के लिए गुनगुना पानी दिया था तो मैंने बॉटल भरवा ली। चाय पियोगी? नहीं पिएगी ना? एक अब देना, कहना दो ना कर दे भैया, एक दीजिएगा भैया, वो लड़की नहीं पी रही है। तो कोई गिरा ना दे, तुमको पीनी है तो पी लो। नहीं, ये किसकी चाय है? मौसी तुम्हारी। तो यहाँ पे मैं नेक्स्ट डे का आप लोगों को क्लिप दिखा रही हूँ और यहाँ पे मैं रेडी हो चुकी हूँ। तो यहाँ पे रेडी हुआ जा रहा है, हम लोग को निकलना है गोगा मेढ़ी जाने के लिए। तो यहाँ पे सब रेडी हो चुके हैं और अब यहाँ जो है नाश्ता वगैरह किया जा रहा है। तो नाश्ते में क्या लिया है, हम लोगों ने पकौड़े ली थी, ब्रेड पकौड़ा लिया था और साथ ही साथ चाय थी। और ये जो आप देख रहे हैं जहाँ हम लोग बैठे हैं ना, ये पूरा वो जगह है जहाँ पे इसको क्या बोलते हैं, मुझे याद नहीं आ रहा हिंदी में, जहाँ पे मतलब धर्मशाला है ये, जहाँ मतलब आप आके ट्रेन सफ़र करके आए हैं तो आप रुक सकते हैं। देखिए पीछे कितने ज़्यादा गद्दे हैं, लेकिन हम लोगों यहाँ नहीं रुके थे क्योंकि मम्मी और मौसी साथ में थी तो उन लोगों को दिक्कत रहती है, तबीयत उन लोगों की ठीक नहीं रहती, तो उन लोगों को जो है वो बेड वगैरह ही चाहिए रहता है और यहाँ गद्दे नीचे डाल के सोना और सबके साथ समझ में नहीं आ रहा था। बच्चे बहुत ज़्यादा मस्ती कर रहे थे, सबने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया था और आगे जो है बहुत मज़ेदार वीडियोस आने वाले हैं। तो चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और मिलूंगी आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो।